अनदर न्यू मिनी पीसी इन द हाउस, सॉरी इन द स्टूडियो। देखो वैसे तो हमने काफी सारे मिनी पीसी की वीडियो बना रखी है, लेकिन ये वाला जो मॉडल आज आया है ना अपने पास, ये सबसे स्पेशल है। इस मिनी पीसी के ऐसे तीन फीचर जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। पहला कि ये बहुत ही पावरफुल चिपसेट के साथ आता है और ये अब तक का सबसे पावरफुल मिनी पीसी है जो हमारे पास आया है। और भाई दूसरा, ये इंडिया का पहला मिनी पीसी है जो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और इस मिनी पीसी के स्ट्रक्चर को बहुत ही डिफरेंट टाइप से यहाँ पे डिजाइन कर रखा है। और इस मिनी पीसी का जो तीसरा फीचर है ना भाई, वो तो तुम्हारे होश उड़ा देगा, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अगर मेन मसाला ही मैं अभी बता दूंगा तो वीडियो तुम पूरी तो नहीं देखोगे। तो चलो एक एक करके मैं तुम्हें सब चीज़ें बताता हूँ। और हाँ गाइस, ये जो अपना मिनी पीसी है ना, करंट में ये 29,000 रुपये का चल रहा है। तो देखते हैं यार कि 29,000 रुपये में ये क्या क्या चीज़ें अपने को डिलीवर कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो प्राइस इसकी यहाँ पे कंपनी वालों ने रखी है ना, उतनी बेटर चीज़ें ये अपने को देता भी है और प्राइस के अंदर अपने को डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन वो सारी बातें मैं वीडियो में आपको आगे एक एक करके समझा दूंगा। तो इसका सैमसंग ने अपना नया मिनी पीसी को लॉन्च कर दिया है और इसका नाम उन्होंने पैंथर दिया है। और कंपनी वालों ने इसका नामकरण ना बहुत सोच समझ के करा है भाई। इसकी स्मूथनेस, स्पीड और परफॉर्मेंस पैंथर को यहाँ पे पीछे छोड़ देगी। वैसे मुझे कमेंट करके बताना कि पैंथर को हिंदी में क्या बोलते हैं। मुझे ना सच में पता नहीं है भाई कि पैंथर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो जिसको भी पता हो कमेंट कर देना, तो मैं देख लूंगा एक बार उसको। तो ये जो पैंथर का मिनी पीसी ना, इसके अंदर अपने को 16GB की DDR4 की रैम मिलती है 32 MHz की, और इसके अंदर अपने को 5000GB, और नहीं नहीं सॉरी भाई 500GB की इसके अंदर अपने को SSD मिलेगी M.2 की NVMe, जिसकी रिटार्ड स्पीड कमाल की है भाई। स्क्रीन पे मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो तुम खुद यहाँ पे देख लेना कि कितनी फास्ट स्पीड इसके अंदर अपने को मिलेगी। और हाँ गाइस, इसके अंदर जो रैम और SSD यहाँ पे यूज हुई ना भाई, वो कोई राह चलते ब्रांड की नहीं है, क्रूशियल ब्रांड की प्रीमियम SSD इसके अंदर अपने को मिलेगी, और रैम भी क्रूशियल ब्रांड की है। तो इसके अंदर ना परफॉर्मेंस अपने को तगड़ी लेवल की मिलेगी, और तुमने ना कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने छोटे फॉर्म फैक्टर में अपने इतने बड़े बड़े काम कर पाएंगे। कितने बड़े बड़े हम बताएंगे ना, लेकिन उससे पहले अगर आपको इसकी साइज बड़ी लग रही है तो हम और कम कर देते हैं यार, तो इसकी साइज इतनी सी होगी यहाँ पे। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा यार, क्योंकि ये दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। तो अभी तो मैं इसको जोड़ लेता हूँ, फिर आपको वापस से खोल के बताऊंगा आगे। और गाइस, इस मिनी पीसी का सबसे तगड़ा पार्ट किसके अंदर, यहाँ पे इंटेल का एडल लेक यहाँ पे N95 प्रोसेसर यूज हुआ है, जो कि यहाँ पे 12th जनरेशन है, और ये भी हाल ही में 2023 के जनवरी में लॉन्च हुआ है, तो लेटेस्ट प्रोसेसर इसके अंदर यूज करा है। और इसके अंदर जो अपने को प्रोसेसर मिल रहा है ना, वो यहाँ पे 4-core 4-thread का प्रोसेसर है, और उसकी अप टू क्लॉक स्पीड यहाँ पे 3.4 GHz है। तो भाई चलने के मामले में तो ये पैंथर को भी पीछे छोड़ देगा, लेकिन वो पैंथर का मतलब जरूर बता देना मुझे यार कमेंट करके। और हाँ, चैनल पे पहली बार आ गए हो ना तो सब्सक्राइब भी कर देना इसी बात पर। तो जब आप इस मिनी पीसी को ऑर्डर करोगे तो चमचमाता अपन को व्हाइट कलर का यहाँ पे बॉक्स मिलेगा, मिनी पीसी की ब्रांडिंग है। और इस बॉक्स के ऊपर भाई कहीं से कहीं तक कुछ भी डिटेल मेंशन नहीं है कि कौन सा प्रोसेसर है, कौन सी रैम है, क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ब्रांड ने भाई हमारे ऊपर छोड़ दिया कि आप इसके सारी डिटेल बताओ, हम तो यहाँ पे प्लेन प्रिंट करेंगे इसके बॉक्स को। तो बॉक्स में से सबसे पहले अपन को यहाँ पे डार्क ब्लैक कलर का मिनी पीसी मिल जाएगा, और भाई इसकी लुक तो एक तरफा है। इसके अलावा बॉक्स में से अपन को एडाप्टर मिल जाएगा, और एडाप्टर की क्वालिटी ना इस बार थोड़ी सी यहाँ पे बेटर कर दी है प्रीवियस के कंपेयर में। एक HDMI केबल मिल जाएगी और अपने को यूजर मैनुअल मिलेगी। और हाँ यार, एक बार ना यूजर मैनुअल को तुम पढ़ लेना, उसमें अपन को बता रखा है कि LED के पीछे या फिर मॉनिटर के पीछे इसको माउंट कैसे करना है, क्योंकि इस टाइप के जो छोटे मिनी पीसी आते हैं ना, इसको अपन LED TV और मॉनिटर के पीछे माउंट भी कर सकते हैं, और माउंट करने के जितने भी यहाँ पे तामझाम है ना, वो अपन को बॉक्स के अंदर ही मिल जाएंगे। तो माउंट करना बहुत आसान है इसको, वो तो तुम कर ही लोगे यार। इस मिनी पीसी का जो फ्रंट साइड है ना भाई, वो पूरा प्लेन है। इसके राइट साइड में अपने को पावर का बटन मिल जाएगा, USB के दो पोर्ट मिलेंगे 3.0 वाले, एक USB का पोर्ट मिल जाएगा 2.0 वाला, और पीछे की तरफ सारे पोर्ट भरे पड़े भाई। पीछे की तरफ अपने को DC का पोर्ट मिल जाएगा, और भाई वेट, इसके अंदर ना जो HDMI के पोर्ट मिल रहा है ना अपने को, वो गोल्ड प्लेटेड है भाई। तो क्वालिटी के मामले में तो यार कंपनी वालों ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। और इसके अंदर जो अपने को दो HDMI के पोर्ट मिल रहा है ना, उससे अपन दो LED TV को या फिर मॉनिटर को साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल मॉनिटर का अगर तुम्हें सेटअप चाहिए ना अपने काम के अकॉर्डिंग, तो वो भी इसके अंदर अपने को सुविधा मिल रही है, और ये सुविधा अपने को वैसे लैपटॉप और कंप्यूटर में नहीं मिलती, तो उससे बेटर हुआ ना फिर तो यार ये। इसके अंदर अपने को एक LAN का पोर्ट मिल जाएगा, और एक माइक और ऑडियो जैक भी मिलेगा। ये जो पोर्ट है ना, ये दोनों को सपोर्ट करता है। और गाइस, ऊपर की तरफ ये जो छोटी सी पाइपलाइन डली हुई ना इसके अंदर पानी को फ्लो करने के लिए, मजाक कर रहा हूँ भाई, वो लाइट को फ्लो करती है। इसके अंदर अपने को यहाँ पे RGB लाइट मिलेगी, और सॉरी RGB लाइट नहीं, ओनली B लाइट, क्योंकि ब्लू लाइट जलती है ना इसमें, तो भी लाइट होगी सिर्फ। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इंडिया का सिर्फ अकेला मिनी पीसी है जो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब जो इसका सेकेंडरी पार्ट है नीचे की तरफ, उसको कैसे अलग करना है, उसको अलग ही क्यों करना है, और उसके अंदर अपन को ये जो चेंबर मिल रहा है उसका कैसे अपन यूज कर सकते हैं, ये सारी बातें वीडियो में मैं आपको 2 मिनट के बाद बताऊंगा। उससे पहले अपन इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि जो प्रोसेसर, रैम और SSD इसके अंदर यूज हुई ना, वो अपन को किस टाइप की परफॉर्मेंस निकाल के देगी, और किस किस यूज केस में अपन इसको यूज कर सकते हैं। सो यूज केस में यूज कर सकते हैं, हाँ सही है। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको
बता दूं, इसके अंदर जो यहाँ पे प्रोसेसर यूज हुआ है ना N95 12th जनरेशन, वो अपना यहाँ पे i3 11th जनरेशन और i7 8th जनरेशन से ज्यादा पावरफुल है। और ओवरऑल जो अपने को स्पीड यहाँ पे मिलती है ना, वो यहाँ पे 30% मोर स्मूथ मिलती है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरली यहाँ पे 30,000 से 35,000 रुपए के जो लैपटॉप आते हैं ना मिड रेंज वाले, उनके अंदर ना i3 के 11th या 10th जनरेशन प्रोसेसर मिलते हैं। तो भाई उस 30,000 के लैपटॉप से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस तो ये अपने को निकाल के दे देगा, क्योंकि उनके अंदर भी 8GB की रैम आती है, इसके अंदर 16GB की रैम है और लैपटॉप के कंपेयर में ज़्यादा इफिशियंसी से काम ये कर सकता है भाई, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है ना वो उनके कंपेयर में ज़्यादा बेस्ट है। और भाई आप तो समझदार हो तभी तो मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो आपको तो पता ही होगा कि ये जो मिनी पीसी होता है ना उनके अंदर सबसे मेन पार्ट उनका प्रोसेसर ही होता है। रैम, इंटरनल मेमोरी, हार्ड डिस्क, SSD ये तो सब अपनी जगह काम करती है, लेकिन जब तक प्रोसेसर ही अच्छा नहीं होगा तो परफॉर्मेंस भाई कहाँ से अपने को मिलेगी। तो भाई इसके अंदर अपने को ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस मिलेगी और हर टाइप के काम इसके अंदर अपन ऑलमोस्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रोसेसर बहुत ज़्यादा कैपेबल है इसका। इस मिनी पीसी के अंदर अपने को विंडो 11 प्रो मिलती है जेनवन, जो प्री इंस्टॉल इसके अंदर है। अब देखो यार परफॉर्मेंस का तो ऐसा सीन है कि इसके अंदर जो यहाँ पर रैम, SSD और प्रोसेसर यूज हुआ है ना, उन तीनों का कॉम्बिनेशन इतने बेहतर आउटपुट अपने को देता है ना कि अपने को इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी जो आपने सोची भी नहीं होगी, आई मीन से देखी नहीं होगी। अब इसके अंदर ऑलमोस्ट अपन सब टाइप के काम कर सकते हैं। देखो बेसिकली तो यार ऑफिस वर्क की जो एप्लीकेशन होती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल, वो सारी एप्लीकेशन इसके अंदर काम करती है। डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छे तरीके से उनको हैंडल कर लेता है। इसके अलावा इसके अंदर GTA 5 गेम भी यहाँ पे प्लेबल सेटिंग में चल जाता है 30 से 40 FPS के बीच में, जो काफी बड़ी बात है क्योंकि GTA 5 ना भाई बहुत हेवी गेम है और GTA 5 को अगर अपन मीडियम सेटिंग में प्ले करेंगे ना तो 30 से 40 FPS अपन को कंटिन्यूसली आराम से इसके अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि GTA 5 ना देखो एक तो प्रोसेसर सेंटर गेम है और उसके अंदर ना रैम भी ज्यादा कंज्यूम होती है। तो रैम तो इसमें 16GB की है और 16GB भाई कोई छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। तो 16GB रैम और प्रोसेसर की मदद से GTA 5 इसके अंदर आराम से प्ले हो जाता है। इनफैक्ट जो यहाँ पे एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि प्रीमियर प्रो है, फोटोशॉप है, आफ्टर इफेक्ट है, ये बड़े बड़े नाम है भाई सॉफ्टवेयर के, ये सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर बिंदास काम करते हैं। हाँ वो बात अलग है कि अपन 4K लेवल की एडिटिंग तो नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर कोई एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड नहीं है, इसके अंदर इसका खुद का ग्राफिक कार्ड यूज हुआ है UHD 1.2 GHz का, तो इसी वजह से अपन इसके अंदर एडिटिंग तो कर सकते हैं लेकिन हाईएस्ट 1080p की एडिटिंग ये आराम से हैंडल कर लेगा। 4K एडिटिंग आप करोगे ना तो ये लैग होने लग जाएगा और ज्यादा हीट भी होगा। तो मैंने इसके अंदर 1080p रेजोल्यूशन में मल्टी लेयर एडिटिंग करके देखी और देखो भाई टाइमलाइन कितनी आराम से यहाँ पे स्क्रॉल हो रही है, मतलब मेरे पास जो यहाँ पे फुटेज है ना वो हाईएस्ट रेजोल्यूशन की है और उसके बाद भी मुझे रेंडरिंग का जो यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है ना टाइमलाइन पे वो तो एक तरफा है भाई। तो इससे तो अपन अंदाजा लगा ही सकते हैं कि परफॉर्मेंस अपने को एक किस लेवल की दे देगा। और अगर आपका काम यहाँ पे 3D डिजाइन से रिलेटेड है ना तो ऑटोकैड जैसे जो एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होता है ना वो भी इसके अंदर आराम से चल जाते हैं। मेरे पास जो ये यूनिट है ना इसके अंदर ऑटोकैड, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो और बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल मुझे मिले, तो सारे सॉफ्टवेयर मैंने इसके अंदर ओपन करे और मल्टीटास्किंग इसके अंदर इतनी अच्छी लेवल की हो जाती है कि सारे सॉफ्टवेयर को जब मैं एक साथ ओपन करता हूँ, उनके बीच में स्विचिंग करता हूँ, मल्टीटास्किंग करता हूँ, तो भाई लैग तो इसके अंदर मुझे मिलता ही नहीं है। इसके अलावा जब मैं ब्राउजिंग इसके अंदर करता हूँ ना भाई तो मल्टीपल टैब भी मैंने इसके अंदर ओपन करे सिंगल टाइम पे और ब्राउजिंग के अंदर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। और जबकि अपन क्रोम ब्राउजर में मल्टीपल टैब यहाँ पे ओपन करते हैं ना तो भाई अच्छे अच्छे लैपटॉप उसके अंदर मात खा जाते हैं, लेकिन यार ये 1% भी उसमें लैग नहीं हुआ और हैंग भी नहीं हुआ। और अगर आप यहाँ पे एक स्टूडेंट हो ना तो उस केस में भी भाई ये मिनी पीसी आपके बहुत काम आ जाएगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं ना, कोडिंग के, डेवलपमेंट के और डिजाइनिंग के, वो सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर चल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे कोडिंग करते हो, डिजाइनिंग करते हो अलग अलग फील्ड में, तो उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो आराम से ये हैंडल कर लेगा, क्योंकि ज्यादातर तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे रैम को बहुत तेजी से कंज्यूम करते हैं और इसके अंदर जो रैम है ना भाई वो हाई फ्रिक्वेंसी की है, तो इसी वजह से सॉफ्टवेयर को ये आराम से हैंडल कर लेता है और इसी वजह से अपन को परफॉर्मेंस में भाई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं मिलता। तो मल्टीपल यूज केस इसके अंदर है भाई, आप स्टूडेंट हो, ऑफिस वर्क करते हो या घर के अंदर भी इसको यूज करना चाहते हो ना तो डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो। और ये जो मिनी पीसी है ना इसके अंदर लगभग हर टाइप के सॉफ्टवेयर चल जाएंगे, वो बात अलग है कि मैकबुक के जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो इसके अंदर नहीं चलेंगे, लेकिन विंडोज वाले सॉफ्टवेयर ये आराम से हैंडल कर लेगा। और भाई जब GTA 5 जैसा हाई इंटेंसिव गेम ये सपोर्ट करता है जिसके अंदर यार प्रोसेसर की, रैम की, SSD की सारी पावर लगती है और वो गेम ये चला देता है, तो भाई बाकी सॉफ्टवेयर तो इसमें आराम से चलेंगे लेकिन 1080p पे। अब देखो भाई मैंने वैसे तो काफी सारे मिनी पीसी की वीडियो बना रखी है, लास्ट वाली जो मिनी पीसी की वीडियो थी ना उसके अंदर मुझे कमेंट भी मिला है कि क्या हम मिनी पीसी के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। तो डेफिनेटली देखो एडिटिंग इसमें आप कर सकते हो, लेकिन वो आपके मल्टीपल लेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी लेयर यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, आपकी फुटेज की साइज कितनी बड़ी है, कौन सी बिट रेट यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो ये सारी बातें भाई डिपेंड करती है कंडीशन टू कंडीशन, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और हमेशा की तरह एक बोनस टिप मैं आपको दे दूँ, इस मिनी पीसी के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, खैर वो तो मुझे प्री इंस्टॉल मिले, जब आप इसको बाय करोगे आपको ये सॉफ्टवेयर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर उन सॉफ्टवेयर को आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो
जो कि हर कोई करना चाहेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने एक लिंक दे रखी है, वहाँ पे जाके आप सारी सॉफ्टवेयर जिसके अंदर मैंने यूज़ कर रहा हूँ ना GTA 5 को छोड़ के, वो आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो। अब गाइस हमेशा की तरह एक ज्ञान के बाद मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो अपने पास मिनी पीसी है ना, ये ब्रांडेड कंपनी का है जिसका नाम स्कलसेंस है ऑब्वियसली, लेकिन इस टाइप के सिमिलर प्रोडक्ट आपको अमेजोन के ऊपर भी मिल जाएंगे 17 से 18 हज़ार में। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये तो 30 हज़ार का, वो 17 हज़ार के, तो हम तो उसको खरीद लेते हैं ना। तो देखो भाई एक बात मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो रैम प्रोसेसर मतलब स्पेसिफिकेशन यूज़ हुई ना, एक तो वाली स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस अपने को उसमें मिलेगी नहीं, साथ में उसके अंदर जितने भी इंटरनल पार्ट यहाँ पे यूज़ हुए ना वो सारे थर्ड क्लास है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली क्रूशियल की रैम SSD यूज़ हुई है, प्रोसेसर भी इंटेल का 12th जनरेशन है। ये सारी चीज़ें अपने को 17 हज़ार में ऑब्वियसली मिल ही नहीं सकती यार, क्योंकि इन सभी कंपोनेंट्स की प्राइस ही बहुत ज़्यादा होती है। तो भाई जितने भी आपको इस टाइप के मिनी पीसी 17-18 हज़ार रुपये में मिल रहे ना, उनको खरीद मत लेना। खरीदना है ना तो स्कर्ट सेंस का ब्रांडेड मिनी पीसी ही खरीदना, डिस्क्रिप्शन के लिंक से। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मिनी पीसी का कि इसके अंदर जो अपने को ये नीचे वाला स्ट्रक्चर मिल रहा है ये किस काम का है और कंपनी वालों ने इसको क्यों बना रखा है। तो इस मिनी पीसी के बैक साइड में अपने को ये दो स्क्रू मिल रहे हैं, और जब अपन इस स्क्रू को ओपन करके ये वाला कैबिनेट ओपन करते हैं ना, तो इसके अंदर जो अपन को ये स्पेस मिल रही ना, इसके अंदर अपन 2.5 इंच की एक्सटर्नल SSD को इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब इसका जो प्रोसेसर है ना वो यहाँ पे अप टू 4 TB को यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है। 2 TB को तो इसके एक्सटर्नल पार्ट में जाके आप एक्सटेंड कर सकते हो, और इसके अंदर जो अपने को खुद की 500 GB की NVMe की SSD मिल रही ना, उसको भी आप चाहो तो 2 TB में अपग्रेड कर सकते हो। तो अपग्रेडेबिलिटी में अपन यहाँ पे 4 TB तक इसको अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर एक्सटर्नल SSD यूज करना ही नहीं चाहते हो ना, तो सिंपली ये जो अपन को लॉक मिल रहा है ना, इसको स्लाइड करके अपन को अनलॉक करना कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पूरा यहाँ पे इस तरीके से अलग हो जाता है। तो आपको इस पार्ट की जरूरत ही नहीं अगर आप इसके अंदर एक्सटर्नल SSD को यूज नहीं करते हो। फिर ये अकेला जो मिनी पीसी है ना, सिर्फ इतने से छोटे फॉर्म फैक्टर में ये सारे काम आपके चला देगा। और एक बात आपने नोटिस करी होगी कि इसके अंदर अपने को टाइप सी का जो ये पोर्ट मिल रहा है ना, इसके थ्रू ही SSD का ट्रांसफर इसके अंदर होता है। तो अगर आप बिना इस पार्ट के इसको यूज करना चाहते हो ना, तो इसकी साइज और छोटी हो जाएगी और ये और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये जो कस्टमाइजेशन का पार्ट है ना, ये मुझे बहुत प्यारा लगा इस मिनी पीसी का। ऑलराइट गाइस, अब इस मिनी पीसी को बाय कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो सिंपली आपको electronicsindia.com पे जाना है, और काफी सारे जो वहां पे मिनी पीसी आपको मिल जाएंगे उसमें से ये मिनी पीसी को भी आप बाय कर सकते हो। बेस्ट अवेलेबल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इसको वेबसाइट के थ्रू बाय करते हो तो इसकी प्राइस वहां पे 29,000 रुपए है, लेकिन उसके ऊपर आपको 1,000 रुपए का यहां पे डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन यार ये जो डिस्काउंट है ना, ये लिमिटेड टाइम के लिए। तो अगर आपको मिनी पीसी बाय करना ही हो, या फिर लैपटॉप के जगह आप इसको बाय करने वाले हो, या बड़े कंप्यूटर के जगह भी इसको बाय करने वाले हो, तो मेरे हिसाब से तो ये 100% रिकमेंडेड है। अब देखो यार, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं आपको इसके सारे फीचर बता पाऊँ। फिर भी अगर कुछ रह गया हो मैसेज तो कमेंट कर देना, और अगर कुछ जानना हो कि हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं क्या, या फिर इसके अंदर हम ये काम कर सकते हैं क्या, तो भी मुझे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई आपको कर दूंगा। तो इसको बाय करना हो तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से कर लेना, और अगर आप इसको अमेजोन से खरीदना चाहते हो तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर इसकी प्राइस 30,000 रुपये चल रही है। तो जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना, और ये अपने चैनल का सबसे पावरफुल मिनी पीसी था अब तक का। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके भी बता देना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट कर देना, क्योंकि कमेंट में हमेशा पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी कर देता हूँ। तो